होते तो आज हम कहाँ होते? कबीर जैसे महान आत्मा इस दुनिया में ना होते तो आज हम कहाँ होते? किसी पत्थर को अगर बत्ती सुंघाते होते, कहीं धूप बत्ती लगाते होते, कहीं कहीं गंगा में डुबकी लगा के हम भी थोड़ा दे के अधिक पाने का लालसा में लगे होते। ये कबीर विचार है कि जो हमें भ्रम और मान्यताओं के बंधन से मुक्त रखा है। आज का समाज कितना पिसता है इस मान्यताओं में। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब कितनी लंबी लाइनें लगी हैं, और एक जो कबीर पंथी है, पारखी है, उसके लिए सब कोई महत्व की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एक आदमी रोजा रहता है, क्यों? अच्छा जीवन जीना चाहता है, वो अपने आप को अच्छा बनाना चाहता है, सुखमय बनाना चाहता है, अल्लाह को, खुदा को खुश करना चाहता है। एक महीना तक उपवास रहता है। मूर्ख ये नहीं सोचता है कि इतने करोड़ लोगों में से केवल कुछ करोड़ लोग रोजा रहते हैं, कुछ करोड़ लोग केवल व्रत और उपवास करते हैं, पूजा पाठ और मंदिर जाते हैं, बाकी तो नहीं जाते हैं। हिंदू कभी मस्जिद नहीं जाते हैं, उनका कभी सर्वनाश नहीं हुआ। और हिंदू वो भी मूर्ख, वो ये नहीं सोचते हैं मुसलमान कभी मंदिर नहीं आते हैं, उनको तो भगवान ने कोई कष्ट नहीं दिया। कबीर साहब दोनों को धोते हैं। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। मुल्ला और मौलवी दोनों को रगड़ते हैं, दोनों को धोते हैं। आदमी क्यों नहीं समझता है कि जो हम कर रहे हैं, जो करके हम जहां जाना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, उस काम को बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। उनका तो कोई हानि नहीं हो रहा है। छठ पूजा में कितना उपवास रहते हैं यहां लोग आजकल। विदेश वाले जानते हैं छठ पूजा क्या है? नाम भी नहीं जानते, कौन से जंतु का नाम है छठ पूजा। सब मस्त हैं, अभी हम 3G 4G में लटके और 7G चला रहे हैं। मुसलमान नहीं समझते हैं कि हम रोजा रह करके कौन सी उन्नति कर लेंगे। हिंदू कभी रोजा नहीं रहता है, वो भी खा रहा है, वो भी जी रहा है। बंधुओं, कबीर विचार कहने सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। हमारे अंदर जो थोड़ा मोड़ा अभी भ्रम बचा हुआ है उसको हम खत्म करें। हम भी अभी कहीं ना कहीं, इतना दिन हो गया सुनते जानते, फिर भी कहीं ना कहीं लटक जाते हैं। गांव में होते ना, कई लोग कहते ना, गइयो गाभिन बैलो गाभिन, ये सही कि वो सही, मूर्त पूजा सही कि कबीर विचार सही। अभी तक हम निर्णय नहीं कर पाए हैं कि कौन सा रास्ता सही है। बंधुओं, कबीर जयंती पर हम सब का इकट्ठा होना तभी सार्थक होगा जब हम गुरुवर कबीर साहब के विचारों को अपने जीवन में जीना चालू करें, उसको लागू करें, उस पर चलें। वो है भ्रम, पाखंड, मान्यता, इन सब से अपने जीवन को दूर भगाएं, इनको पास भी ना भटकने दें, अपने आप को शेर बनाएं। कबीर विचार आदमी को शेर बनने की सीख देता है, गीदड़ नहीं। बस मैं इतना ही कहकर अपनी बात को ही विराम देता हूं। पूज्य साहब जी पधार रहे, बोलिए सदगुरुदेव की जय।